अगर आप एक वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप वॉशिंग मशीन यूज करते या फिर रिपेयर करते हैं, इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा पैसा बचेगा। कौन नहीं चाहता कि उसकी वॉशिंग मशीन से उसका पैसा और पानी दोनों बचे। ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सी ब्रांड की वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, LG हो, सैमसंग हो, वर्लपूल हो, बॉश हो या कोई भी अन्य ब्रांड हो। अगर एक पार्ट है वॉशिंग मशीन में वो फेल हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बहुत ही महीने सालों आप उसको यूज करते रहेंगे और आपका पानी ट्रिपल और पावर डबल वेस्ट होता रहेगा, जो आपको पता भी नहीं लगेगा। और एक बात बताता चलूं, इस 2023 में जो भी वॉशिंग मशीन बन रही है, पार्ट को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है कि वो वॉशिंग मशीन में पानी और पावर को कंट्रोल करे। इसीलिए वो पार्ट को जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस पार्ट को कहते हैं प्रेशर सेंसर। चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि वो पानी को कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ पावर को भी करता है। अगर वो फेल हो जाए तो आपका पूरा पैसा बहुत ही ज्यादा लॉस में जाएगा, जो आपको पता भी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए देख ले, ये वॉशिंग मशीन जैसे ही ऑन करके स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्प्ले में डायरेक्ट टाइम आ रहा है। अगर आप एक वॉशिंग मशीन रेगुलर यूज या रिपेयर करते हैं तो आपको पता रहेगा कि कोई भी वॉशिंग मशीन ऑन करते ही पहले सेंस करती है, उसके बाद पानी, उसके बाद टाइम लेती है। अगर मैं दूसरा साइकिल भी सेलेक्ट करता हूँ तो भी वही डायरेक्ट टाइम ले रही है, सेंस नहीं कर रही है। ये बहुत ही बड़ा सिम्टम है प्रेशर सेंसर डिफेक्टिव का, जो आपको पता रहना है। कोई भी ब्रांड में प्रेशर सेंसर रहता है और सेम सिम्टम देता है, बिना सेंसिंग के टाइम आता है। तो इस मशीन का प्रेशर सेंसर का कनेक्टर ग्रीन हो चुका है और प्रेशर सेंसर के कनेक्टर्स भी ग्रीन हो चुके हैं। इसका मतलब पानी या फिर मॉइस्चर की वजह से ऐसे हुआ है। तो चलिए चेंज करके देखते हैं प्रेशर सेंसर को, इसका रिजल्ट क्या आता है देखेंगे। तो याद रखना, प्रेशर सेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पैसे के लिए भी और वॉशिंग मशीन के लिए भी।